वेलकम टू यम यम इंडिया गाइज। आज हम आए हैं नागपुर की एक ऐसी जगह पे जो मतलब बहुत ही हटके है। नागपुर में तर्री पोहा तो आपने हर जगह देखा ही होगा, बट ये जो अंकल जी यहाँ पे हैं इन्होंने एवेंजर अपनी बाइक पे तर्री पोहे का स्टॉल लगाया हुआ है। तो अंकल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया। आप एक्चुअल में स्क्वायर पे रहा था, मैंने एक दूध वाले को देखा। अच्छा, जब दूध वाला मामला ये धो सकता है तो हाँ नहीं कर सकते। अच्छा, बेसिक आइडिया मेरा वहाँ से मिला। तो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से मिला एंड बाकी ओके ये अच्छा भट्टी भी है यहाँ पे लगी हुई है, कंटिन्यू तरी गर्म होती रहती है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। गर्मी से पोहे भी गर्म रहते हैं। अच्छा, अपना स्पाइसी है, स्पाइसी होने के बावजूद भी आपका पेट खराब नहीं होगा। अच्छा, साउथी से डिफरेंट है, प्योर पंजाबी टेस्ट है। अच्छा, प्योर पंजाबी मतलब पंजाबी स्पाइसी, साउथी और पंजाबी का आपने एक अलग मिक्सचर बनाया। ये तर्री एक बार दिखा दिए, ये तर्री हो गया। ये देख लो यार कितना गाढ़ा रंग आ चुका है इस पे, और इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है? ये छोले, छोले। ओके ओके, और इधर पोहा जो कि अभी बस खत्म होने ही वाला है। अच्छा, तो खत्म होने वाला है। एंड यहाँ पे प्याज, प्याज है और वो क्या है, ये शेजवान सॉस, किसी को और स्पाइसी चाहिए। तो ये आपने डाल दिया पहले पोहा, थोड़ा मीडियम स्पाइसी करना, एकदम स्पाइसी मत करना जी सर। और ये डाल दिए इन्होंने ऊपर से थोड़े से छोले, और ये यहाँ का ग्रेवी, और ऊपर से थोड़ी सी डलेगी तरी। देख लो कितना ज़्यादा बढ़िया रंग आ गया इसमें। ये डाल दिए थोड़े से, ये क्या भैया? ये सेव, सेव चूड़ा, चूड़ा सौजी चूड़ा और हल्दीराम का भुजिया। अच्छा, और प्याज वगैरह भी यहाँ पे से कटे हुए हैं, थोड़े से डल के मिलते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप और भी डलवा सकते हो। ये नींबू और प्लस शेजवान सॉस, जिसको थोड़ा और स्पाइसी चाहिए वो शेजवान सॉस भी डलवा सकते हैं। तो ये देख लो, ये हमारे पंजाबी साउजी मिक्स तर्री पोहा बन के रेडी है। इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे टेस्ट में कैसा है। तो यहाँ पे एक भैया है, ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी कस्टमर, रेगुलर कस्टमर बन गए 3 महीने में। तो कैसे, आपको बहुत पसंद आता है इनका? आप रोज़ खाने आ रहे हैं, क्या बात है यार। ये मतलब 3 महीने के अंदर इनके रेगुलर कस्टमर भी बन गए, तो ये सोच सकते हैं आप कि ये वाला जो तर्री पोहा है कितना अच्छा होगा। तो इसको हम जल्दी से ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट में कैसा था। तो यार ये देख लो यार, ये 20 रुपये का हाफ है। पोहा, ग्रेवी और सेव, इतना प्योर मिक्सचर है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। Okay. तो भैया जी एक बार आप लोकेशन बता दीजिए ना। लोकेशन सर छापू नगर स्क्वायर, छापू स्क्वायर पे, ये कोटक बैंक आया बाजू में। अच्छा, बाजू में कोटक बैंक है, कोटक महिंद्रा बिल्डिंग है। पीछे कौन सी बिल्डिंग है? भक्ति विहार, भक्ति विहार बिल्डिंग। ओके, इसमें अपना शॉप भी है। ओके, और बिल्डिंग ही है, ठीक है ना। तो यार आप कभी भी नागपुर आए या नागपुर में रहते हो तो यहाँ पे ज़रूर आए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही सस्ता है। तो हमारी तरफ से तो थम्स अप है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो कर दो और नागपुर में सबके साथ शेयर कर दो। तब तक ये भैया ने ट्राई कर लिया, एक बार बता दीजिए आपको ये मतलब क्यों इतना अच्छा लग रहा है। मतलब नागपुर में हर जगह साउजी तो मिल ही रहा है, फिर भी आप यहाँ पे स्पेशली आ रहे हैं, तो उसका क्या खास रीज़न है? टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटके टेस्ट है। और दूसरा क्या है, क्या खाओ पच जाता है। अरे पच जाता है, बाकी गर्म पेट पे चुभता है। ओके, तो मतलब आप सबको रिकमेंड करेंगे? 100%। थैंक यू।